गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चांबा। मैं इस टाइम उत्तराखंड के चांबा में हूँ और इस टाइम मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम जैसे रात को काफ़ी लेट हो गया था, 12 एक बज गए थे हमें, तो हमने ये होटल लिया था। ये होटल हमको 2 रूम्स पड़ा है, मैं रूम्स का आपको दिखाता हूँ। लक्ष्मी होटल करके है और चांबा चौक पे एकदम सामने ही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसमें 2 हमें अटैच वॉशरूम दिए थे और ये रूम है हमारा, ये रूम था। हम लोग निकल ले धनोल्टी के लिए, सुरखंडा देवी टेम्पल की ओर, और जो बाहर का नज़ारा वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और मैं मिलता हूँ अब आपको गाड़ी में सीधा सुरखंडा देवी टेम्पल के रास्ते। तो दोस्तों, दोबारा हम आ गए ऑरेंज कैफे। जैसा कि मैंने बताया था कि रात को हमें होटल नहीं मिला था सुरखंडा देवी में, तो हम रिटर्न आ गए थे। तो इस टाइम हम इसी रास्ते पर, जो रात को यही व्यू था, और व्यू क्या मस्त सा। यहाँ से दिन में आए सीधा धनोल्टी पहुँचे, धनोल्टी से मंसूरी होते हुए आप वापसी ऋषिकेश जा सकते हैं बस से, और वापसी दिल्ली जा सकते हैं। जिस भी शहर से आप आएँ उस शहर में आप रिटर्न जा सकते हैं। और यहाँ पे जो ठंड है इस टाइम रात में, अभी हमने अपनी गाड़ी निकाली, इतनी ठंड हो रखी है हमारी गाड़ी कि पूछो मत। और ये जो व्यू है नज़ारे में दिखाता हूँ, नज़ारे देखिए एक नंबर है यहाँ पे। और इस टाइम तो सर्दी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन नज़ारे एक नंबर, मज़ा खूब आ रहा है। और देखो, रात को हम लोग वहाँ पे ना लाइट जल रही थी रात में, तो हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे भूत रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें लग रहा था रात में कि वहाँ पे कुछ है नहीं। तो दोस्तों, हमने खाना वाना खा लिया है ऑरेंज कैफे से, और हम अब जा रहे हैं धनोल्टी की ओर। और मैं गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 11 बज चुके हैं और काफ़ी लेट हो चुका है। और आपसे मिलते हैं रोड पर। कंडीशन दिखा देता हूँ, रास्ता कुछ ऐसा है, वो अंधाधुंध मोड़ है अचानक से। अगर यहाँ पे किसी ने दिखाई अफरान चलाते हुए तो बन जाएगा गुफरान। तो कृपया यहाँ पे सावधानी से चलाएं, और धनोल्टी के कुछ रास्ते देख लीजिए आप भी, और जैसा कि उधर भी देख लीजिए। और ये बाइक कल से खड़ी है यहीं पे, इसी कल से यहीं पे खड़ी है कल रात से, अब किसकी है पता नहीं। और इस रास्ते पे हम रात को भी आए थे, लेकिन रात में कुछ पता नहीं चल रहा था हमें कि अगर हम उठाना चाहते हैं रात को बाइक तो गाड़ी में भर सकते थे, लेकिन हमने सोचा रहने दो, डिग्गी में जगह नहीं थी, किसी की होगी तो गालियों में हमें तोल देगा, इसी वजह से रहने दो। और ये कोई शहर आ गया, लेकिन गाइस मैं जो भी बताऊं, जो भी शहर है ये, मैं आप लोगों को बताऊं यार, ये लोग रात में कोई बंदा मर जाए ये लोग जगने के लिए तैयार नहीं। रात में हम लोग आते हैं, कॉल करते हैं कि भैया रूम्स मिल जाएंगे सोने के लिए, बहुत प्रॉब्लम है, 12 बज चुके हैं और ठंड भी ज्यादा है। बोलते हैं नहीं नहीं भाई, 2 बज गए। बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ नहीं है, आप लोग जाओ गाड़ी में सो जाओ या गाड़ी कहीं साइड लगा दो। भाई इतना सा रास्ता है, गाड़ी कहाँ साइड में लगा देंगे। चाहते तो चंबा से चढ़ते ही 3 किलोमीटर एक ऑरेंज कैफ है, आप लोगों के राइट में ही पड़ेगा आते वक्त। आप लोग वहाँ पे खाना वगैरह अगर खाना हो, काफी टेस्टी है और प्राइस भी सही है वहाँ यहाँ के हिसाब से तो। और यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को बाहर सामने दिखाता हूँ, और कोई गाड़ी आ जाती तो कितना किलोमीटर है। और आप लोग एक बार देखो कितने हम ऊपर आ गए, काफी ऊपर आ चुके हैं, और वो गांव देख के मजा आ रहा है, अच्छा सा लग रहा है कि काश हमें भी वन नाइट स्टे मिल जाए। तो गाइज, आप लोग अगर कभी भी यहाँ पे इधर की साइड आए, अगर आप लोग कभी भी धनोल्टी के साइड आए बाहर चंबा होते हुए, तो मैं तो यही आपको कहूँगा कि आप लोग चंबा में रुक जाएं। तो दोस्तों, अब हम सुरखंडा देवी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और जैसे ही ऊपर जा रहे हैं रास्ता तो और नैरो होता जा रहा है। मेरे को तो लग रहा है लास्ट में लग रहा पहिए मिलेंगे, बस पहियों पे चलाना पड़ेगा, ऐसे हालात हो रखे हैं। और गाइस यहाँ पे स्नो पड़ रखी है, वहाँ पे उधर की साइड पीछे की साइड दिख रहा था, अभी आगे हो सकता है, अब इस पहाड़ की अगर पीछे साइड जाए तो
सकता है हमें स्नो देखने को मिल भी जाए, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी स्नो। यहाँ रोके क्या करते रहो, वो देखो सीढ़ी नुमा जो है, ऐसी जगह घर अच्छे लगते हैं। काना ताल में, और मैं यहाँ से काना ताल से आप लोगों को व्यू दिखाऊं कितना मस्त, एक नंबर व्यू, पूरा नीचे का जो पहाड़ है एक नंबर आ रहा है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इधर से एक अच्छा सा व्यू है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये। और यहाँ पे एक नंबर, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और ठंड काफ़ी है। ये देखो स्नो वगैरह मैं दिखाता हूँ, ये स्नो वगैरह। और यहाँ पे एक रिजॉर्ट है, और ये पूरा व्यू, ये काना ताल है, क्या मस्त है। देखिए यहाँ पे भी स्नो वगैरह पड़ी है यहाँ पे, और गाइस बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। ये देखिए पूरा व्यू, और मैं एक ऐसी जगह आया हूँ यहाँ पे, देखो ऐसी जगह आके, क्योंकि इधर से पीछे की साइड से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था यहाँ का, तो मैं, और वो चोटी पूरा पहाड़ों से लथ, पूरा चोटी जो वो पूरी चोटी बर्फ़ से लथपथ है, कितना मस्त लग रहा है, एक नंबर। हम आगे चलते हैं धनोल्टी की साइड, हो सकता है शायद वहाँ पे बर्फ़ मिले, बहुत मज़ा आएगा अगर बर्फ़ मिल जाए। अगर आज लाइव स्नोफॉल मिल जाए तो और मज़ा आएगा, लेकिन लाइव स्नोफॉल के चांस है नहीं क्योंकि धूप निकली है। और बाकी जैसा भी होता है, मैं आगे जैसे जैसे चलता रहता हूँ आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे लोग देख लीजिए, और यहाँ पे कुछ स्नो भी पड़ी है रास्तों में, वो भी दिखाता रहता हूँ। और अब कंटिन्यू हाइट, अब कंटिन्यू चढ़ाई चढ़ती रहेगी, अब गाड़ी कंटिन्यू चढ़ती रहेगी हाइट पे। और यहाँ पे और ज्यादा सर्दी हो चुकी है, लोग एकदम धनोल्टी के पास, तो हम लोग एकदम धनोल्टी के पास आ चुके हैं। और ये देखो रास्ते, एक बार देख लो आप लोग रास्ते, क्या खतरनाक रास्ते। इतना तो जब मैं केदारनाथ गया था वहां पे भी इतने खतरनाक रास्ते नहीं है, वहां पे भी हैं लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है कि पूरा लहराई दे एक बार में। ये देखिए आप, ये देखो आप, अंधाधुंध एकदम कट है आगे से, यहाँ धनोल्टी यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर और बची होगी, लगभग 8 किलोमीटर है धनोल्टी यहाँ से। और सुरकंडा देवी मंदिर किधर है अभी हमें कुछ यहाँ से आइडिया नहीं है, एक बार किसी लोकल से हम पूछते हैं यहाँ पे रुके कि सुरकंडा देवी मंदिर कितने दूर है। और सुरकंडा देवी मंदिर होने के बाद हम जाएंगे धनोल्टी आगे। गाइस तो ये सब देखिए आप लोग, खतरनाक रास्ता है, मजा लेकिन बहुत आ रहा है। और यहाँ पे ऊपर चल रहा है, वैसे मौसम ठंडा हो रहा है, और यहाँ पे आज धूप है, कल बारिश भी हुई थी, मतलब उत्तराखंड में 2 दिन से बारिश चल रही है। सुरकंडा देवी, ये सामने इधर ही गाड़ी खड़ी कर दो, अच्छा यही खड़ी कर दे, हाँ जी ठीक है, ओके भाई, थैंक यू।